आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के तत्वाधान में सोमवार को गांधी मैदान में 34 व कोला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ समिति के केंद्रीय अध्यक्ष ओमानाथ कोल ने ध्वजारोहण कर किया। सम्मेलन में झारखंड राज्य के विभिन्न जिले व पड़ोसी राज्य के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर ओमानाथ कोल ने कहा कि भारतीय गणतंत्र के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोल जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा नहीं मिल पाया है। कोल जनजाति के लोग अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य वक्ता पशुपति कोल ने कहा कि कोल जाति को जब तक आदिम जनजाति का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक इस पिछड़े हुए समाज का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोल जाति का इतिहास काफी पुराना है, आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर है। हमारी मांग है कि जनगणना में आदिवासी कोड लागू किया जाए। भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति झारखंड का 34वां सम्मेलन जामताड़ा गांधी मैदान के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया कि भारत देश में आदिवासियों की जनसंख्या 10 करोड़ है। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, ये क्षेत्रीय मांग है, लेकिन जब पूरे भारतवर्ष का हम देखें तो विभिन्न जात से है, विभिन्न परिवेश में लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, नागालैंड हो, विभिन्न तरह का अलग अलग डिमांड होगा। इसीलिए भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति ये प्रस्ताव इस सम्मेलन से पास किया और भारत सरकार से ये मांग कर रहा कि आदिवासी धर्म कोड हो ताकि पूरे भारतवर्ष की एक रूपता रहे, और यही हमारी डिमांड है, मांग है। हम लोग प्रत्येक साल सरकार को ख्याल कराते हैं, अधिकारी में हम लोग जो जमा होते हैं कि ताकि वो भूले नहीं। कोल प्राचीन वासी हैं, जब से मनुष्य का सृष्टि हुआ है सबसे पहले कोल का ही हुआ। दुनिया को कोलों ने सिखाया, कोल आदिवासी, और ये आदिम है। और ये भारत सरकार जो सूची बनाई थी 26 जनवरी 1950 में लागू भी कर दी है, और उसमें जो है हम लोगों का नाम छूट गया था। हमारी मांग जो है कोल समाज का, हम लोगों का जो मांग है वो आदिम जनजाति का। लेकिन जैसे बच्चे को लोग ठगते हैं, वो चॉकलेट दे दिया, जनजाति में शामिल किया, हम उससे खुश नहीं हैं। जब तक हमको आदिवासी का दर्जा नहीं मिलता है, हम लोग नहीं। हमारे पूर्वज लड़ करके अपना खून बहा करके यहाँ 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का प्रावधान में पूरा प्रयास लोग किए, और आज भारत का संविधान में 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची है, उसके अनुसार ग्राम सभा हम लोगों का जो है मेन ग्राम सभा होता है। 16 अना मिल करके गांव में हम लोग प्रधान को चुनते हैं, जिसका नाम मांझी, जोग मांझी, प्राणिक, नायकी, गुडेत होते हैं। आज ग्राम सभा में सारा नियम कानून विधि विधान बन रहा है, लेकिन ये सरकार जो है केंद्र सरकार स्टेट सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया है और हम लोग को ठगने का काम करता है। आज हम लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, आज हम लोग राजनीति में पिछड़े हुए हैं, और दिन दुना रात चौगुना की रफ्तार से हो रहा है। आज हम लोग का गांव में पोखर, कुआं, तालाब दिया जा रहा है, और ऐसा पोखर दिया केंद्र सरकार पक्ष वाला विपक्ष वाला, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, हम लोग को ठगने का काम करता है। सूखा पोखर दे दिया, 4 ठो 5 ठो पोखर दिया हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। कांग्रेस भी वही करती है और आपका बीजेपी भी करती है, दूसरी सरकार भी करती है, हम लोग इससे खुश नहीं है। 5वीं अनुसूची लागू हो और 6ठी अनुसूची लागू हो, पैसा कानून लागू हो, और उसके अनुसार हम लोगों को सही ढंग से अधिकार मिले। और जब तक हमको आदिवासी आदिम जनजाति में नहीं शामिल करती है, तब तक हम लोग करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा उमानाथ कोल। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।